अरे यार सिंचन आजा, हम लोग यहाँ पे बीच में आकर के फोटो खिंचाते और नहाते, बहुत ही दिनों बाद हम लोग बीच पे आए। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, आने के बाद तो मजा आ जाता है दोस्तों, बीच में आते हैं ना तो मन ताजा ताजा हो जाता है। अरे हाँ भैया, मन तो ताजा ताजा हो ही जाता, आजा अंदर जाके फोटो खिंचाएंगे, क्या बोलते हैं सिंचन? अरे हाँ चलिए चलिए, अंदर जाके फोटो खिंचाएंगे, मजा वाला। अरे भाई चल यार, ये अंदर जाने के बाद ना फोटो, एक सेकंड, ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? ये सब जगह पे गाड़ी तो आ नहीं सकती सिंचन, ये जगह पे गाड़ी क्या कर रही है? वो भी इतनी कमाल की गाड़ी, देख रहे हो? मतलब यार सच में ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है। अरे हाँ, ये गाड़ी को तो चेक करिए, क्या ये लॉक में है? अरे हाँ भाई एक बार चेक करते, क्या इसमें लॉक लगा कि नहीं लगा? एंड गेस रुको यार, मैं इसको चेक करता हूँ। अरे यार सिंचन, इसमें तो लॉक भी नहीं लगा, ऐसा क्यों लग रहा है? ये गाड़ी को कोई खोल के रखा हुआ था, मतलब कि इसमें लॉक भी कोई नहीं लगाया हुआ। क्या करे यार सिंचन, ये गाड़ी को घर ले जाए। अरे हाँ नेकी, और पूछ, इतनी खतरनाक गाड़ी मिल गई बीच में, तो उसे घर क्यों ना ले जाए? अरे भाई साहब, हमें इतनी खतरनाक गाड़ी मिल गई बीच में, समझ रहे हो? ये सब गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो फुल स्पोर्टी कार है भाई, पता नहीं यार यहाँ पे क्या कर रही है, बट ये बहुत मस्त है, चलो जल्दी से इसे घर लेके जाते हैं। दोस्तों ये वाली गाड़ी कैसी लग रही है आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बट यार मुझे डाउट है भाई, ये चोरी की तो नहीं होगी सिंचन? अगर चोरी होगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगा, क्योंकि वो वाली जगह पे ना खास करके चोर और ये सब जो नॉर्मल गंदे लोग होते हैं ना, वही सब आते हैं, उन्हीं लोग गाड़ी छोड़ के चले गए होंगे। अरे हाँ हो सकती है चोरी वाली गाड़ी, बट हमें क्या है, हम तो ऐसे भी इसको लेके जाके बेचने ही वाले हैं। अरे हाँ भैया एक काम करते हैं सिंचन, आज ना बहुत मैं थक गया हूँ, तुम भी थक गए होगे बीच में जाने के बाद, इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, आज ये गाड़ी घर में रहने देंगे, कल जा करके इसे बेच डालेंगे, क्या बोलता है सिंचन? अरे हाँ सही बोल रहे हैं, चलिए चलिए कल ही बेच डालेंगे। अरे भाई एकदम बहुत ही खतरनाक सा आइडिया, तो चलो यार जल्दी से घर जाते और इसे जाके गाड़ी को रख देते। ये गाड़ी तो सच में कमाल की, इंटीरियर देखो यार बहुत ही कमाल की गाड़ी है, मतलब अंदर से भी बहुत ही मस्त लग रही है गाड़ी, ये तो बहुत ही कमाल की है। सिंचन तुम्हें कैसा लग रहा है वाला गाड़ी? अरे मेरे को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, येलो कलर मेरा फेवरेट है और ये भी येलो का है, तो मुझे ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाई सिंचन को भी पसंद आ रही है, तो यार सच में अच्छी गाड़ी है, तो चलो यार जल्दी से घर जाते और ये घर में जाके ये गाड़ी को रखते हैं। सो गाइस फाइनली यार घर हम लोग आ चुके, अब जल्दी से यार जल्दी से जाकर के इसे पार कर देते अपने गैराज में, अंदर जाके पार करेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो वरना किसी को भी पता चलेगा ना पुलिस में कंप्लेंट करके ये गाड़ी उठवा के लेके चल जाएगा। चलो यार मैंने तो पार कर दिया आज सिंचन, मैं तो बहुत थक गया, मैं तो जा रहा हूं आराम करने सोने के लिए, तुमको भाई टीवी देखना है फिर चोको चिप्स खाना, मुझे नहीं मतलब। अरे रुकिए मेरे को तो आने दीजिए, मैं को पहले एक्शन कामिन देखूंगा, उसके बाद चोको चिप्स खाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। अरे भाई ये पहले एक्शन कामिन देखेगा, फिर चोको चिप्स खाएगा, फिर सोएगा, बहुत टाइम लगाता है। तो चलो यार मैं तो जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, तुम्हें जो करना है भाई कर, चलो यार गाइस जल्दी से जाके सो जाता हूँ जल्दी जाके। The next day. Finally guys, यार मैं तो उठ गया। चलो यार सिंचन, अपनी नई वाली गाड़ी जो कल हम लोग चोरी करके लाई थी ना, उसे जाके बेच देते, क्या बोलता है? अरे हाँ चलिए चलिए जल्दी जाके उसे बेच देते हैं। अरे हाँ भाई चलो यार जल्दी जाके वो वाली गाड़ी को बेच देंगे, और जो पैसा आएगा ना उससे भाई पार्टी करेंगे, मजा आएगा। और चौप मैं तुम्हारे लिए पेडिग्री ले आऊंगा, जो गाड़ी बेचूंगा उसका। चलो यार जल्दी जाता हूँ और गाड़ी को बेचने कुछ कर दो। एक सेकेंड, गाड़ी कहाँ चली गई? अरे यहाँ पे तो गाड़ी हुआ करती थी। और भाई साहब ये रोबोट आदमी कौन है भाई? भाई तुम कौन हो भाई? यहाँ पे तो एक गाड़ी थी येलो कलर की, वो कहाँ चली गई सिंचन? अरे हाँ क्या हो गया? एक सेकंड, यहाँ से गाड़ी कहाँ चली गई? अरे गाड़ी तो यहीं पे थी ना, जमीन खा गया कि आसमान निकल गई? अरे भाई सिंचन क्या पता क्या हो गया भाई, ये पता नहीं ये रोबोट यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे ही पूछो, इसी को पता होगा। अरे रोबोट भाई साहब, आपने हमारी गाड़ी देखी है क्या? येलो कलर की है, फ्रैंकली भैया कल ही चोरी करके लाए थे। बस 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 सिंचन, चोरी वाला बात बोलना जरूरी नहीं था। अरे पूरा बात जरूरी है बोलना, अगर नहीं बोलेंगे तो वो समझ कैसे पाएंगे? अरे चुप हो जा सिंचन, चोरी वाला बात बोलना जरूरी नहीं था, बट तुम बोल ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब आपने देखा है क्या? आवाज सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे कुछ बोल, अरे भाई साहब ये कुछ बोल भी नहीं रहा सिंचन, क्या करे? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रोबोट गूंगा है? हाँ गूंगा है, गूंगे हो भाई साहब, गूंगे हो? अरे कुछ तो बोलो भाई साहब, तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अरे भाई पता नहीं क्या सीन है, ये कुछ बोल उल भी नहीं रहा, पता नहीं यार क्या करे हम लोग। अरे फ्रैंकली भैया देखिए, वो वाली रोबोट कार बन गई। अरे भाई साहब कार बन गई, ये कैसे हो गया भाई? यार ये तो मिरेकल है भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मर कार है?
अरे हमें ट्रांसफॉर्मर कार मिल गई, मतलब कि वही ना बम्बल भी। अरे हाँ भाई, ये तो बम्बल भी था जो भाई कभी भी मतलब कि कार बन सकता और कभी भी रोबोट बन सकता है, बट उसकी कमजोरी है कि वो बात नहीं कर सकता। उसका भाई भाई वो जो बोलने वाला मशीन है वो खराब हो चुका है। और भाई ये गाड़ी बन गया और ये दरवाजा खोला है, मतलब ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। सिंचन आ जा, ये गाड़ी में जल्दी से बैठते, ये पक्का हमें कहीं ले जाना चाहता है, इसीलिए भाई इसने दरवाजा खोला है। आ जा तू भी बैठ जा। अरे रुकिए बैठता हूँ। अरे बाप रे, ये गाड़ी तो अपने आप चल रही है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा। अरे हाँ, ये तो अपने आप चल रही है। अरे पता नहीं ये हमें गाड़ी कहाँ लेके जाएगी। अरे भाई मुझे भी नहीं पता ये गाड़ी कहाँ लेके जाएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देख रहे हो गाइस, ये तो भाई पूरी गाड़ी अपने आप ही चल रही है। भाई यार ये कहाँ लेके जा रही है हमें। अरे इससे पूछने का कोशिश तो करिए। अरे भाई ये तो बात ही नहीं कर सकती, लेके कहाँ जाएगी। और एकदम अजीब टाइप की गाड़ी चला रही है भाई, देख रहे हो ये गाड़ी चला रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई साहब ये कौन सा इलाका में लेके जा रहा है भाई, ये तो पहाड़ी इलाका टाइप का है, यहाँ पे तो खाई है, यहाँ पे क्यों लेके जा रही वाली गाड़ी। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये गाड़ी हमें कुछ दिखाना चाह रही है, इसे जाने दीजिए जहाँ जा रही है। अरे भाई ठीक है भाई, ठिकाने भाई कहाँ खोद देगा भाई। अरे बाप रे, जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है पहाड़ों में, मुझे तो पक्का यकीन लग रहा है ये नीचे लेके जाएगा। अरे काले जबान क्या बोल दिया, ये तो सच में नीचे लेके जा रहा है। अरे बाप रे, ये गाड़ी को नीचे ही कुदा दिया। भाई ये कैसा है गाड़ी का ड्राइवर, एक सेकंड ये कहीं लेके जा रहा, वो हाँ कौन है भाई। यहाँ पे तो भाई ट्रांसफॉर्मर का मतलब कि ऑप्टिमस प्राइम है मेन लीडर, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। अरे भाई साहब ऐसे क्यों लग रहा है, इसे बहुत चोटें लगी है। गाइस देख रहो, ये ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे गिरा हुआ है। अरे यार सिंचन इसे तो बहुत चोटें लगी है, ऐसा लग रही है मर गया है। अरे ऐसा हो नहीं सकता, हमसे मिले बिना मर कैसे सकता है। अरे चुप हो जा, तुमसे मिले बिना पागल है क्या। गाइस देख रहो ये पूरा मतलब कि पूरा बेहोश पड़ा हुआ है। अरे तुम कुछ बोल सकते हो, तुम जिंदा हो कि मर गए। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा नाम है ऑप्टिमस प्राइम, ट्रांसफॉर्मर का लीडर। मैंने ही बम्बलबी को भेजा था तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। यहाँ पे डिसेप्टिकॉन्स आ चुके हैं बुरे वाले, और एक तो मेरे जैसा डिसेप्टिकॉन्स है रेड ऑप्टिमस प्राइम, वो सब चीज तबाह कर रहा है, उसे जाके रोको। मेरी हालत यहाँ पे बहुत खराब हो चुकी है उसे लड़ाई करते करते, इसीलिए मैं अभी हालत में नहीं हूँ उसे लड़ाई करने के लिए। तुम लोग जाओ उसे रोकने का कोशिश करो। अरे बाप रे, शहर में डिसेप्टिकॉन्स आ चुके हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अरे बाप रे, ये क्या सीन देख लिया, शहर में डिसेप्टिकॉन्स आ चुके हैं, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। चिंता मत करो ऑप्टिमस प्राइम, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अब जल्दी से मैं जाता हूँ। भाई गाड़ी में बैठ के आजा सिंचन, हम लोग जाते पहले डिसेप्टिकॉन्स को रोकने के लिए। अरे आप रोक पाएंगे क्या। अरे भाई मैं नहीं रोकूंगा, बम्बल भी है ना, बम्बल भी रोकेगा। भाई वहां पे जाके पहले हम लोग इसका मदद भी तो कर सकते हैं, देखते भाई कितना ही बड़ा होगा डिसेप्टिकॉन्स, होगा छोटा मोटा, हम लोग 2 मिनट में मार के निकल लेंगे और भाई जल्दी से ऑप्टिमस प्राइम को भी ठीक कर देंगे। अरे ठीक है, देखते हैं डिसेप्टिकॉन्स कितना बड़ा है। अरे हाँ भाई हाँ, चलो जल्दी चलो, चलो यार जल्दी से सीधा सीधी चलते हैं। अरे बाप रे, ये रहा डिसेप्टिकॉन्स, भाई ये तो फुल रेड ऑप्टिमस प्राइम है, रेड ऑप्टिमस प्राइम, ये तो बहुत ही खतरनाक है भाई, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक है। पीछे हट जाओ फ्रैंकलिन, मैं इससे लड़ूंगा। हैं, तू बोल सकता है, उतना देर से बोल क्यों नहीं रहा था। अगर मैं बोलता तो तुम लोग घबरा जाते और मेरे साथ चलते ही नहीं, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहता उतना देर से। ये डिसेप्टिकॉन्स ने ऑप्टिमस प्राइम को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डिसेप्टिकॉन्स। तुम्हारे मेन लीडर ऑप्टिमस प्राइम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तुम मेरा क्या उखाड़ोगे। मैं तुम लोगों को मार दूंगा, सब चीज खत्म कर दूंगा, लॉस सैंटोस को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। अरे बाप रे फ्रैंकली भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक है, कि हम लोग इससे लड़ पाएंगे। अरे हाँ भाई, ये देखने में तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब सच में ऐसा डरावना जैसा लग रहा है। और मुझे लगा था कि भाई छोटा मोटा होगा, मुझे क्या पता इतना बड़ा होगा ऑप्टिमस प्राइम जैसा, ये तो भाई बहुत ही बड़ा है, ये तो हमें सच में मार सकता है। बम्बल भी लड़ लोगे ना, तुम तो भाई इसकी हाइट का बहुत ही मतलब की चींटी बराबर हो। चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, रुको मैं इसे मारता हूँ, देखो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये लो पैर में मार खाओ, मैं तुम्हें पैर से मार के नीचे गिरा दूंगा, ये लो। कैसा लगा। हाँ, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे चूहे। मुझे चूहा बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो मार खाओ। अरे इसे हो क्यों नहीं रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। हाँ भाई मुझे भी नहीं लगता, मुझे लगता ये मार खा के ही मानेगा। अब डिसेप्टिकॉन्स की बारी, ये लो मार खाओ, ये लो मार खाओ, मार खाओ, सब मरो यहाँ पे, मैं सब चीज बर्बाद कर दूंगा। ये लो बर्बाद हो जाओ लॉस सैंटोस, मैं यहाँ पे सब बर्बादी कर दूंगा, ये गाड़ी को उठा उठा के फेंकूंगा। ये लो ये लो ये लो, बर्बाद हो जाओ सब चीज।
अरे बाप रे बम्बल भी, तुम ठीक हो ना भाई? बम्बल भी कुछ बोलो। अरे बम्बल भी तुम ठीक हो ना? वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम मतलब कि रेड ऑप्टिमस प्राइम पूरे लॉस सेंटर्स को बर्बाद कर रहा है, देख रहे हो? गोलियों से पूरा धुन रहा है। भाई तुम ठीक हो ना? भाई इसे जल्दी जल्दी उठा करके लेके जाना पड़ेगा। सिंचन मदद कर। अरे हाँ चलिए चलिए, इसे भी बचाना है, ऑप्टिमस प्राइम को भी बचाना और डिसेप्टिकॉन्स को हमारना भी है। अरे यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला। अगर दोस्तों आपको ये वाला पार्ट पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को सेव कर पाए ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी के मदद से, तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिखना कि हम लोग को नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी बनानी चाहिए, तो वरना ये लॉस सेंटर्स बर्बाद हो जाएगा। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।